राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। संख्या बल के लिहाज से किसी को कुछ सीटों का लाभ हुआ है तो किसी को नंबर गेम अपने पक्ष में होने के बावजूद कुछ सीटों का नुकसान पड़ा है। इन चुनावों के बाद उच्च सदन का नंबर गेम भी बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA बहुमत के और करीब पहुंच गया है। विपक्षी कांग्रेस का संख्या बल उच्च सदन में और कम हो गया है। राज्यसभा की जिन 56 सीटों के लिए चुनाव हुए उनमें से 28 सीटें BJP के पास थी। इन चुनावों में भी अलग अलग राज्यों में संख्या बल के लिहाज से BJP को 28 सीटें ही मिलती नजर आ रही थी, लेकिन UP से हिमाचल प्रदेश तक हुए खेला से पार्टी को 2 सीटों का लाभ हुआ। 28 सीट जीतती नजर आ रही BJP जब चुनाव नतीजे आए 30 सीटें जीत चुकी थी। BJP को UP में 7 सीटें मिलती नजर आ रही थी, लेकिन पार्टी 8 सीटें जीत गई। हिमाचल में नंबर गेम विपरीत होते हुए भी पार्टी 1 सीट जीतने में सफल रही, जहां कांग्रेस का जीतना तय माना जा रहा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के तमाम नेता सूबे की सीट से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की वकालत कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राजस्थान से उच्च सदन में भेजा। इंडिया 24 इंटू 7 लाइव TV के लिए डेस्क रिपोर्ट।